नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आवास विकास हंसपुरम की रहने वाली प्रियंका सिंह, जो अपने पहले पति की मृत्यु के बाद जिनका एक बेटा और एक बेटी भी है, जिनके दोनों बच्चे बांदा में रहते हैं, जिनके पति के मरने के बाद ससुराल वालों से मतलब नहीं है, वहीं पर 4-5 महीने पहले प्रियंका की जान पहचान अभिषेक वर्मा पुत्र पुत्तीलाल वर्मा निवासी 3/190 निवासी आवास विकास हंसपुरम थाना नौबस्ता से हो गई और दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे और लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे। फिर तय किया कि शादी करेंगे, लेकिन अभिषेक प्रियंका का शारीरिक शोषण करने के बाद बिना बताए 10-12 दिन से घर से बाहर चला गया। उसकी जानकारी मिली तो पता चला उसका एक मकान लखनऊ में भी है। सरोजनी नगर में दोनों अपने सहमति से थे, लेकिन बाद में अभिषेक प्रियंका को धोखा देकर भाग गया। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा। अभिषेक का पिता रिटायर्ड दरोगा है और जिस एरिया में रहता है उसी एरिया से रिटायरमेंट है सरोजनी नगर इलाके से, इसलिए प्रियंका की गुहार वहाँ की पुलिस नहीं सुन रही। इंडियन प्राइम न्यूज़ के लिए कानपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, क्या हुआ आपको, आखिर यहाँ प्रेस क्लब क्यों आना पड़ा? अभिषेक ने आपको किस तरह से प्रताड़ित किया? अच्छा, आपने कहा उन्होंने, उस अभिषेक ने शादी झांसा दिया, क्या कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। जी जी जी, वो कैमरे को दिखाइए क्या है। ये मेरे पास प्रूफ है। इधर ऐसे करके दिखाइए। हाँ जी जी, हाँ ठीक। अच्छा हाँ, ये एक फोटो है जी। अच्छा, यही अभिषेक है? हाँ, यही। ठीक। और बबलू? अच्छा, बबलू भी नाम है इसका। जी ठीक। और अच्छा, ये आपके घर पे रहे हैं? हाँ, मेरे घर पे मेरे साथ रहते थे। जी जी जी, मेरे घर पे साथ मेरे सो रहे हैं जी जी जी। और ये उनकी सिस्टर है। अच्छा, इनका क्या रोल है इसमें? अच्छा, ये को धमकी दे रही है कि केस वापस ले लो? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और इसमें कौन कौन आरोपी है जो आपको? आरोपी के भाई, चारों भाई के आरोपी हैं। जी जी, अभिषेक वर्मा, रंजीत वर्मा, अनुज